सो क्लाइमेट, आपको पता है क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द डे टू डे वेदर. ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन में जब हम वेदर को नापते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट. नाउ फैक्टर्स दैट प्रोड्यूस द क्लाइमेट इन एनी गिवन प्लेस, द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आर द सेम दैट प्रोड्यूस अवर डे टू डे वेदर. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं कि जो फैक्टर्स क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, पहला है इंटेंसिटी ऑफ सन शाइन एंड इट्स वेरिएशन विद लैटिट्यूड, यानी कि इंसोलेशन कितना आ रहा है. ठीक है, और उसका वेरिएशन ना लैटिट्यूड के साथ इंसोलेशन कितना आ रहा है वो इफेक्ट करता है वेदर को, ऑब्वियस वेदर एंड क्लाइमेट को बोथ. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेटू जो है, तिब्बतन वाला रीजन जो है या एशियन वाला, सेंट्रल एशियन वाला रीजन जो है वो काफी वास्ट है, और वहां पे कॉन्टिनेंटलिटी वाला जो फिनोमेना होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज लैंड हीट फास्टर एंड ऑल्सो गेट्स कोल्ड फास्टर देन द वाटर. राइट, तो ये जो इफेक्ट होता है लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी वेदर को इफेक्ट करता है. फिर हमारा ओशन करंट्स रहती हैं. ठीक है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म करंट है उसका अपना इफेक्ट होता है, वहीं जो पेरू करंट है ठीक है वो कोल्ड करंट है उसका अपना इफेक्ट होता है. फिर प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, इनका अपना इफेक्ट होता है. पोजिशन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर एरियाज, राइट, जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे क्या है कोल्ड एयर, ड्राई एयर आएगी, लो प्रेशर एरिया में क्या होगा आपके थंडर स्टॉर्म्स वगैरह बनेंगे. फिर माउंटेन बैरियर्स जैसे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल वगैरह. फिर एल्टीट्यूड एंड एट्थ इज ह्यूमन सेटलमेंट्स. ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स भी क्लाइमेट को अब इफेक्ट करने लग गए हैं, बिकॉज नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विच इज अफेक्टिंग अवर क्लाइमेट ऑल्सो. राइट, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज. सो हियर यू कैन सी द एनुअल एवरेज सी लेवल टेम्परेचर थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, एक एवरेज सी लेवल टेम्परेचर जो वर्ल्ड में है ये फेरनहाइट में दे रखा है. राइट, 80 डिग्री फेरनहाइट, 70 डिग्री फेरनहाइट, 60. राइट, तो ये एक आपको आइडिया हो गया होगा कि इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिक वाला रीजन जो है वो वार्म रहता है. राइट, मेडिटेरियन. फिर आपका पोलर रीजन जो रहता है वो कोल्ड रहता है. राइट, तो आप देख सकते हो ITCZ पे हमारा क्या होता है, इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ के आसपास आपका रेनफॉल ज्यादा रहती है. फिर मेडिटेरियन वाला रीजन जो रहता है उसमें क्या होता है कोल्ड एयर सिंक करती है, तो यहाँ पे क्या ड्राई रीजन रहता है. फिर पोलर फ्रंट के आसपास हमारा फिर प्रेसिपिटेशन होता है. राइट, सो हियर यू कैन सी ऑल सीजन ड्राई, ऑल सीजन वेट, ड्राई समर, वेट विंटर, ऑल सीजन ड्राई, वेट समर ड्राई. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है लैटिट्यूड के हिसाब से एक जनरल आइडिया वेदर का. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वेदर को है, वेदर को एक साइंटिस्ट थे व्लादिमीर कोपेन, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने वेदर को क्लासिफाई करने की एक स्कीम दी है. ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉपन्स की स्कीम. तो कॉपन स्कीम आइडेंटिफाई 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स विद ईच टाइप डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर. तो 5 मेजर इसने क्लाइमेट टाइप को बताया है और उस क्लाइमेट टाइप्स को इसने 5 कैपिटल लेटर से डेजिग्नेट किया है, ACDNE, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ ACDNE और पांचवा है B. ठीक है, तो ACDENP. नाउ ACDE यानी कि ये 4 जो कैपिटल लेटर्स हैं दे डिनोट ह्यूमिड क्लाइमेट्स. ठीक है, जनरली, एंड बी इज ड्राई क्लाइमेट अगर हम ब्रॉड सेंस में बोलेंगे. ठीक है, लेकिन इनकी भी अपनी सब डिवीजन है. ए जो क्लाइमेट होता है वो होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट. ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में. बी तो मैंने बताया था ड्राई क्लाइमेट होता है. सी इज मॉइस्ट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट विद माइल्ड विंटर. ठीक है, तो ये तो ट्रॉपिकल तक है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और ये मिड लैटिट्यूड यानी कि 30 डिग्री के आसपास, 40 डिग्री के आसपास. ठीक है, विद माइल्ड विंटर्स. फिर जो डी वाला क्लाइमेट होता है वो मॉइस्ट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स विद सेवियर विंटर, जहां पे विंटर ज्यादा रहती है. ठीक है, तो रिमेंबर सी एंड डी आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन सी में हमारी विंटर जो रहती है वो माइल्ड रहती है, एंड डी में जो विंटर रहती है वो सेवियर रहती है. और फिर आता है हमारा ई क्लाइमेट जो कि पोलर क्लाइमेट होता है. तो ऑब्वियसली पोलर क्लाइमेट यानी कि जैसे तुंद्रा वाला क्लाइमेट, उसमें विंटर जो होंगी एक्सट्रीमली कोल्ड होंगी. ओके, एंड समर भी एक्सट्रीमली कोल्ड रहते हैं. और फिर एच एक एक्स्ट्रा दे रखा है हाईलैंड क्लाइमेट, तो ये जो माउंटेनस सब ओरिजिन वाला क्लाइमेट रहता है इसको हम बोलते हैं हाईलैंड क्लाइमेट. ऑलराइट,
So here is a simple overview of major climate according to Köppen. ठीक है ना, तो जो येलो वाला पोर्शन है वो हमारा ड्राई रीजन है, तो सहारा डेजर्ट, कलाहारी, ठीक है, तुर्किस्तान, गोबी, थार, अरेबियन, इधर आपका सियरा नेवादा, सोनोरान, मोहावी, ठीक है, इधर आपका अटाकामा डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट, राइट, और इधर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी. तो इधर आप देख सकते हो एक बेसिक आइडिया अबाउट कोपन्स. ठीक है, अब ये ऑरेंज वाला जो पोर्शन है ये मॉइस्ट एंड माइल्ड विंटर, वहीं पोलर वाला रीजन आपको आइस शीट्स देखने को मिलेंगी, इधर कनाडा के पास ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया के नॉर्दर्न रीजन, आपका साइबेरिया का नॉर्दर्न रीजन, राइट. नाउ मूविंग ऑन, तो हम सब डिवीजन देखते हैं. तो सब डिवीजन देखो, ए सी डी ई एंड बी आर मेन डिवीजन, एंड देन दी वी हैव स्मॉल लेटर्स कॉल्ड F, M, W and S. All right. Now F, M, W, S are जो हमने पांच ग्रुप अभी देखे थे उनको सब डिवाइड किया गया है इन चार लेटर्स में. ठीक है, F का मतलब होता है नो ड्राई सीजन. ठीक है, यानी कि जहां पे बारिश होती रहेगी. ठीक है, M मॉनसून वाला क्लाइमेट यानी कि पीरियोडिक विंड्स, W विंटर ड्राई सीजन एंड S इज समर ड्राई सीजन. ठीक है, तो ये चार मेन सब डिविजन है. उसके बाद कुछ और स्मॉल लेटर्स आते हैं जैसे कि A, B, C, D. A, B, C, D उस वेदर के सेवेरिटी को दिखाता है, यानी कि A कम है लेकिन D इज मैक्सिमम. ठीक है, सेवेरिटी कितनी है. फिर दो लेटर और आते हैं H एंड K. H रिप्रेजेंट ट्रॉपिकल एंड के रिप्रेजेंट मिड लैटिट्यूड. आई नो इट इज लिटिल बिट टफ टू रिमेंबर, लेकिन आपको रटना तो पड़ेगा इसको. ठीक है, और फिर बी की बात करें तो बी आपको पता है ड्राई क्लाइमेट होता है, लेकिन बी में भी दो लेटर आते हैं सब डिवाइड किए गए हैं, एस एंड डब्ल्यू. ठीक है, एस होता है स्टेपी एंड डब्ल्यू होता है डेजर्ट. रिमेंबर दीज आर कैपिटल लेटर्स. ठीक है, तो एस होता है स्टेपी के लिए एंड डब्ल्यू इज डेजर्ट. स्टेपी मतलब ये ग्रास लैंड वाला क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट. ओके, सो हियर इज द टेबल ऑफ कोपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. तो पहला लेटर ए यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट, राइट, हमने बताया था ए इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट, राइट. फिर जो सब डिविजन की रखी है ए एफ, ए डब्ल्यू ए एम, एफ मतलब नो ड्राई सीजन यानी कि वेट. ठीक है, रेन फॉरेस्ट वाला. डब्ल्यू मतलब विंटर, लेकिन साथ साथ वेट एंड ड्राई. ओके, विंटर ड्राई, ऑलराइट. एंड एम इज मॉनसूनल, तो ए एम इज ट्रॉपिकल मॉनसून. फिर बी तो ड्राई हो गया, और बी में मैंने बताया था दो लेटर आते हैं कैपिटल लेटर एस एंड डब्ल्यू. एस इज सेमी एरिड यानी कि स्टेपी, एंड डब्ल्यू इज विंटर, राइट, सॉरी डब्ल्यू इज डेजर्ट. सॉरी, तो डेजर्ट भी क्या हो, एरिड डेजर्ट हो सकता है, और एरिड डेजर्ट जब होगा तब उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एच एंड के में. एच मैंने बताया था एच इज मिड लैटिट्यूड एंड सॉरी ट्रॉपिकल, एंड के इज मिड लैटिट्यूड. ओके, मिड ट्रॉपिकल, तो आप देखते हो मिड लैटिट्यूड में क्या होता है, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम चल जाता है. ठीक है, एनुअल टेम्परेचर, लेकिन ड्राई रीजन रहता है. लेकिन ट्रॉपिकल वाले में क्या होता है, एनुअल टेम्परेचर इज अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस और हायर. फिर हमारा सी आता है, सी इज कोल्ड. ओके सॉरी, सी इज मॉइस्ट मिड लैटिट्यूड. ओके, विद माइल्ड विंटर, मॉइस्ट मिड लैटिट्यूड विद माइल्ड विंटर. सी डब्ल्यू ड्राई विंटर, सी एस ड्राई समर, एंड सी एफ मॉइस्ट. ठीक है, वेट वाला रीजन. ए बी सी, समर्स लॉन्ग एंड हॉट, समर्स लॉन्ग एंड कूल, समर्स शॉर्ट एंड कूल. फिर हमारा डी वाला रीजन आता है. डी का मतलब होता है, फिर से बता दूं, कोल्ड, राइट. तो सेवेर विंटर, तो मॉइस्ट विथ कोल्ड विंटर्स. ठीक है, डब्ल्यू मैंने बताया था ड्राई, एस इज ड्राई समर्स, एंड एफ इज वेट ऑल सीजन. ओके,
डब्ल्यू इज फॉर विंटर, ठीक है, ड्राई विंटर। फिर हमारा पोलर क्लाइमेट आता है, पोलर क्लाइमेट है आपका तुंद्रा वाला रीजन आता है और आइस कैप रीजन आता है। टी रिप्रेजेंट टुंड्रा एंड एफ रिप्रेजेंट आइस कैप, ओके, इन योर पोलर क्लाइमेट। तो ये आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। मेन है आपको ये पांच लेटर याद करने हैं, एक किसके रिप्रेजेंट करता है, बी सी डी एंड ई। सो इज द कंसाइज टेबल, ओके, एंड हियर यू कैन सी द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोपेन्स क्लाइमेटिक स्कीम, ठीक है। ये आपका नॉर्थन अमेरिका एंड साउथन अमेरिका में है, तो ईटी, ठीक है, तुंद्रा, पोलर तुंद्रा वाला रीजन, राइट। ईटी अगर मैं दिखाऊं आपको तो पोलर टुंड्रा, ठीक है, एंड ई एफ रिप्रेजेंट पोलर आइस कैप। फॉर एग्जाम्पल ये वाला रीजन जो होगा ग्रीनलैंड का पोलर आइस कैप वाला होगा। फिर आपका डी एफ सी, ठीक है, डी एफ सी इज सेवेयर विंटर, ओके, तो सेवेयर विंटर जो कि सब पोलर रीजन में होगा, राइट, ये वाला रीजन, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और जैसे कि आपका ब्राजील वाला रीजन है तो ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो इसमें ए एफ ए एम, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून, राइट। फिर हम अगर इधर देखें तो इंडिया के रीजन में आप देख सकते हो सी डब्ल्यू ए, राइट, तो सी इज योर मॉइस्ट क्लाइमेट विद माइल्ड विंटर, राइट। तो ये, ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, तो इस तरीके से आप पॉज करके यहां पे देख सकते हो कोपेन्स की क्लाइमेटिक स्कीम, ओके। अब जैसे ये तिब्बतन वाला रीजन है तो ये एच से डिनोट कर रखा है, एच मतलब हाईलैंड रीजन, ठीक है, हाईलैंड रीजन। सो रिमेंबर दीज आर मोर इंपॉर्टेंट, ए मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी ड्राई क्लाइमेट, सी इज मॉइस्ट क्लाइमेट विद माइल्ड विंटर, D is moist climate with severe winter. Okay, E is polar climate. All right. So this was all about Koppen's climatic schemes. So here is the climate zones all over the world. Tundra wala region aapka Siberian region, right? Greenland is ice cap. Northern Canada wala region bhi aapka tundra region hai. Theek hai? To is tarike se aap dekh sakte ho. So, अब हम बात करेंगे इनको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो प्रॉब्ली वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, इट विल नॉट टेक मोर टाइम। सो जैसे ए है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ये जनरली कहाँ होगा, ट्रॉपिक्स में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 23.5 कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, कॉन्गो वाला रीजन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे वेट रीजन रहता है एंड रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ए को भी हमने डिवाइड कर रखा है ए एफ ए एम ए डब्ल्यू में, ठीक है। एफ इज नो ड्राई सीजन, यानी कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ए एम इज मॉनसूनल वाला क्लाइमेट, ए डब्ल्यू इज वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ओके। फिर से बता देना चाहता हूँ, डब्ल्यू इज विंटर ड्राई सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई होगा लेकिन विंटर भी ड्राई रहेगी ए डब्ल्यू वाले में। तो अमेजोन में जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनमें एक कैनोपी टाइप की दिख जाती है ऊपर से, एक मतलब काफी डेंस जो फॉरेस्ट रहते हैं उनको हम बोलते हैं कैनोपी, ओके। सो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ए एम इज ऑल्सो फाउंड एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके, ट्रॉपिकल मॉनसून, ये आपको ध्यान में रखना है। सो जो ट्रॉपिकल मॉनसून वाला रीजन रहता है वहां पे आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मतलब ट्रॉपिकल मॉइस्ट जहां पे फॉरेस्ट रहते हैं वहां पे। तो मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैकिंग बोलते हैं, बर्मा में टोंगिया बोलते हैं, थाईलैंड में टमराई बोलते हैं, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट टीम इंडिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको हम बोलते हैं झूम, ओके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जब
जो खेत रहते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा AW जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, वो आपका जैसे सवाना क्लाइमेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सवाना ग्रासलैंड जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में लानोस कैंपोस, ठीक है। वहीं इधर सवाना वाला रीजन जो है अफ्रीका में, वहां पे कैनो सेलिसबरी, ऑलराइट, ऑल दीज आर सवाना ग्रासलैंड। ड्राई क्लाइमेट की बात करें तो लो रेनफॉल विच इज नॉट एडिक्वेट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, उस रीजन को हम बोलते हैं ड्राई रीजन, ठीक है। तो ग्रासलैंड और डेजर्ट जो होते हैं वो बी ड्राई क्लाइमेट के अंदर इनको क्लासिफाई किया जाता है। ग्रासलैंड में दो तरीके के होते हैं, सब ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड एंड टेम्परेट स्टेपी ग्रासलैंड। तो सब ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड को BSH बोलते हैं एंड टेम्परेट स्टेपी ग्रासलैंड को BSK, ठीक है। रिमेंबर ड्राई वाले रीजन में मैंने बताया था कि ड्राई के अंदर आपके दो आते हैं SW, ठीक है, और H एंड K, दे कैन इंटरचेंज ईच अदर, ओके। तो एस स्टेपी, डब्ल्यू इज डेजर्ट, एच इज ट्रॉपिकल एंड के इज मिड लैटिट्यूड। ओके, तो डेजर्ट तो हमने पढ़ लिया था, अभी हम देखते हैं कि देखो मेजर डेजर्ट हमने वैसे पढ़े हुए हैं बहुत सारे। तो USA में सोनोरान डेजर्ट, चिवावा डेजर्ट, मोहावी डेजर्ट एंड ग्रेट बेसिन डेजर्ट, यह नाम आपको ध्यान में रखना है। साउथ अमेरिका की बात करें तो अटाकामा डेजर्ट वन ऑफ द ड्राइस्ट, पैटागोनियन डेजर्ट। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो नामीबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, नूबियन डेजर्ट, सहारा, अरेबियन। फिर ये तुर्किस्तान डेजर्ट आपका सेंट्रल एशिया में, गोबी डेजर्ट आपका सेंट्रल एशिया में, ठीक है, थार इंडिया में, सोमाली। एंड देन USA की, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ओके, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की, तो ग्रासलैंड भी आपका ड्राई क्लाइमेट में आता है। और कौन सा वाला क्लाइमेट है? BSK, ठीक है। बी मतलब ड्राई, एस फॉर स्टेपी एंड की फॉर हाई लैटिट्यूड्स में। तो हाई लैटिट्यूड्स में ये ग्रासलैंड्स रहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आपके प्रेरीज, राइट, प्रेरीज, पैम्पास, अर्जेंटीना के पैम्पास, ठीक है। तो इस तरीके से नाम है हम बता देते हैं आपको, जैसे कि USA में है तो USA में इनको बोलते हैं प्रेरी, राइट, प्रेरी एंड स्टेपी। वहीं सवाना आपके अफ्रीका वाले ग्रासलैंड है, राइट। ब्राजील में कैंपोस, फिर साउथ अमेरिका में सेल्वास, ठीक है, सॉरी पैम्पास, राइट। और यूरोप की बात कर रहे हैं तो स्टेपीज, राइट। तो हाँ, तो ये है आपका साउथ अमेरिका वाला रीजन। तो साउथ अमेरिका में सेल्वास, लानोस, पैम्पास एंड कैंपोस, ठीक है, दीज आर ग्रासलैंड्स। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सवाना तो है ही, लेकिन जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है वहां पे हाई वेल्ड्स, ठीक है, वेल्ड्स बोलते हैं इनको, ठीक है, वेल्ड्स। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ठीक है, ग्रासलैंड को बोलते हैं डाउन्स। तो यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, टेबल में आपको देखना है, जैसे कैंटरबरी जो ग्रासलैंड है वो न्यूजीलैंड में है, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में, ये मैंने बता दिया था, वेल्ड्स, बुश वेल्ड एंड हाई वेल्ड इन नॉर्दर्न एंड सदर्न अफ्रीका, पैम्पास इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड पुस्टास इन हंगरी, ओके। फिर हमारा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट सी, सी को हमने डिवाइड किया हुआ है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मेडिटेरेनियन एंड मरीन वेस्ट कोस्ट, जिसमें CFA, CS एंड CF, ऑलराइट। एफ इज नो ड्राई सीजन, यानी कि वार्म वेट समर है, एस इज ड्राई हॉट समर,
एंड एफ इज नो ड्राई सीजन विद वार्म एंड कूल समर. ऑलराइट, तो ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट सी के अंदर आता है, सी एफ. राइट, वार्म बट नो ड्राई सीजन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है. बाकी छोटे छोटे रीजन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे. अब हम बात करते हैं कोल्ड क्लाइमेट की. तो कोल्ड क्लाइमेट डी रीजन, इसको हम बोरियल क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है, रिमेंबर डी और ई में अंतर है. ई इज योर टुंड्रा वाला रीजन, ठीक है, एंड डी इज योर बोरियल, या इसको टाइगा क्लाइमेट भी बोलते हैं. ठीक है, तो साइबेरिया वाला क्लाइमेट जो है, लोअर साइबेरिया वाला रीजन, ये डी क्लाइमेट है. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं पोलर क्लाइमेट की. तो पोलर क्लाइमेट दो तरीके के होते हैं, तुंद्रा एंड आइस कैप. तुंद्रा को हम ईटी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आइस कैप्स को आपको ईएफ से. यानी कि तुंद्रा वाले रीजन में क्या होता है, आइस कैप्स नहीं होती हैं. ठीक है, इंटेंस आइस कैप नहीं होती, एक्सटेंसिव आइस कैप्स नहीं होती है. तो ये तुंद्रा वाला रीजन है अब इधर वाला, और जहां जहां आइस कैप्स होंगी वहां वहां आपका ईएफ रीजन होगा. ऑलराइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉपन्स क्लासिफिकेशन गाइस. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.